रहे हैं SPNI News. SPNI News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा. सबसे पहले तो आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, सब मंगल में हो. इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह. जय शाह के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो शायद अपने पिताजी से ज्यादा टर्नओवर वो काम करते हैं और उनसे ज्यादा उनकी इनकम है. इस बीच आपको बता दें कि जय शाह की यहाँ पर हर साल इनकम में वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन इस बीच यहाँ देखा जा रहा है कि गुजरात में पहुंचने से पहले, गुजरात के चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है. झटका लगा इस तरीके से है, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर एक बड़ा खुलासा हुआ है. यहाँ उनकी संपत्ति को लेकर, उनका टर्नओवर को लेकर और उनकी इनकम को लेकर यहाँ पर इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. अब यहाँ पर सवाल ये खड़े हो गए हैं कि अपने बेटे की वजह से अमित शाह फंस जाएंगे. चाणक्य नीति अपनाने वाले उनको कहा जाता है. बीजेपी में हर जो भी फैसला लिया जाता है वो अमित शाह लेते हैं और उन आगे की रणनीति बताते हैं. लेकिन अपने बेटे में कैसे फंस गए यहाँ पर अमित शाह, कि अपने बेटे के इस चंगुल से निकल पाएंगे और अपनी राजनीति वाली जो विरासत है उसको बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो. क्योंकि आपने सुना होगा कि अक्सर जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के सामने मजबूर हो जाते हैं. क्या अमित शाह यहाँ अपने बेटे के सामने मजबूर होंगे, क्या राजनीति से संन्यास ले लेंगे, या राजनीति के साथ ही अपने बेटे को भी राजनीति में एंट्री करा लेंगे. ये कुछ ऐसे सवाल है जिन सवालों का जवाब देना भी मुश्किल है. लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि यहाँ पर क्या होगा, किसी को कोई जानकारी नहीं है. लेकिन आपको जरूर बताएंगे कि आखिरकार अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति यहाँ पर इतनी ज्यादा है और यहाँ देखा जा रहा है कि CBI शायद अमित शाह के घर पहुंच सकती है. हालांकि सारी जांच एजेंसियां हैं तो बीजेपी की, लेकिन फिर भी कितनी ही जांच एजेंसियां यहाँ पर कितना काम करेंगी सत्ता पार्टी के लिए, कुछ तो खिलाफ भी जरूर जाएंगी. ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा. आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य रिपोर्ट के साथ. तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPNI News के साथ. धन्यवाद.